बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमारी हिंदी कक्षा है। पिछली कक्षा में हम लोग ने एक हिंदी राइम सीखा था, मछली जल की रानी है। चलो फिर से रिपीट करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चलो बच्चों, आज हम दूसरी राइम सीखते हैं, ठीक है? अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालिए और देखिए। सेकेंड राइम है आलू कचालू। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट करते हैं। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। बच्चों ये राइम आप लोग सीख लीजिए, ठीक है? अभी हम अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में। बच्चों ये है आपकी हिंदी टेक्स्ट बुक और आज हम सीखेंगे अक्षर ए। ए से एडी, ए से एडी, एडी का मतलब होता है एंकल। ए से एडी, ए से एक तारा, ए से एक तारा, एक तारा का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बच्चों? ए से एक, एक यानि नंबर वन, ए से एक नंबर वन, ए से एक दंत, ए से एक दंत, ये हो गए हमारे गणेशा का नाम, एक दंत इज नेम ऑफ लॉर्ड गणेशा। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सी हाउ टू राइट लेटर ए। अभी देखते हैं हिंदी का ए कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों? अभी देखिए ब्लैक बोर्ड पर, ये हो गया ए। ए से एडी, ए से एक तारा, ए से एक, ए से एक दंत। अभी देखते हैं ए कैसे लिखते हैं। ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, देन अ स्लैंटिंग, ऐसे स्लैंटिंग जैसे बनाइए और स्टैंडिंग एंड गिव वन कर्व, देन स्लीपिंग लाइन। ए, ए से एडी। सो बच्चों हम लोग फाइव लाइंस में लिख रहे हैं। फर्स्ट पिंक लाइन, फर्स्ट ब्लू लाइन, सेकंड ब्लू लाइन, थर्ड ब्लू लाइन और सेकंड पिंक लाइन। सो यहाँ ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है। देखो बच्चों ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, ऐसे कर्व जैसे दीजिए और एक स्टैंडिंग लाइन को इसको छोटा ऐसे मोड़िए बस। ए, ये हो गया हमारा ए। ए से एडी, ए से एक, ए से एक तारा, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग, स्टैंडिंग एंड जस्ट मोड़कर ऐसे ए, ए से एडी, ऐसे स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा ऐसे कर्व डालिए ए। बच्चों आप लिखते रहोगे तो इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? ए से एडी, ए से एक तारा, ए से एक, ए से एक दंत। बच्चों आप इसे अपने हिंदी वर्कबुक में लिखिए और हिंदी क्लासवर्क में भी लिखिए, ठीक है बच्चों?